हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कॉन्सेप्चुअल वर्ड ऑफ एफ आर नोन एच मनोज का एफ आर। यस फ्रेंड्स, सो वापस न्यू सिलेबस अपडेशन जो अभी रिसेंटली इंस्टीट्यूट करती जा रही है उनके बारे में जो भी चीज़ें रिलेवेंट हैं मैं आपको ट्राई करता हूँ एज सुन एज पहुँचा दूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम अकाउंटिंग फॉर ई कॉमर्स बिजनेस करेंगे। ये अकाउंटिंग फ्रॉम ई कॉमर्स बिजनेस न्यू पार्ट है, आपके ओल्ड सिलेबस में नहीं था, स्पेशली न्यू सिलेबस में डाला है, तो इसको एक बार अच्छे से करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि सीए की स्टडी कहीं ना कहीं लॉजिकल है, कोई भी चीज़ आपको आलतू फालतू डाल के नहीं दे देते, उनको जो चीज़ लगता है कि आपके लिए रिलेवेंट है वो चीज़ वो आपको यहाँ पर इंक्लूड करके देते हैं। अब इसमें क्या रिलेवेंट लगा, नया चैप्टर ऐड कर दिया, तो ई कॉमर्स। आज फ्रेंड्स देखो, पूरा मार्केट ऑलमोस्ट जो फिजिकल मार्केट है वो ख़त्म हो चुका है और हम लोग ई कॉमर्स में आ गए हैं। ई कॉमर्स में मतलब हम लोग आज ऑनलाइन ऑर्डर देना पसंद करते हैं, आज हम हमेशा हर चीज़ को ऑनलाइन देखना पसंद करते हैं। तो ये जो बिजनेस है वो बहुत बड़ा हो गया है। काफी सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलते हैं सर इनकी अकाउंटिंग कैसे होती है, कोई आइडिया नहीं है। तो सीनियर शुड बोली चलो ठीक है, आपके लिए इंक्लूड कर देते हैं। कैसे आइडिया हो जाएगा, कैसे आपको बताएंगे कैसे अकाउंटिंग होती होगी? तो फ्रेंड्स, इट सिंपल मीनिंग अकाउंटिंग फॉर ई कॉमर्स बिजनेस मतलब इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस और यू कैन से इंटरनेट बिजनेस, जहां पर आप अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल करते हो। मे बी हो सकता है खुद का वेबसाइट बना के रखा है, और मे भी हो सकता है आप किसी और पोर्टल पे अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो। तो अभी हमको ये देखना है कि हम किस टाइप से अकाउंटिंग करें। तो फ्रेंड्स, कैसे वो अकाउंटिंग करते होंगे, क्या सिस्टम होता होगा? जैसे आज हम एग्जांपल के लिए कोई अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे गए और हमने कोई ऑर्डर किया, तो क्या सिस्टम होता है वो, उसकी अकाउंटिंग कौन कैसे करता होगा, वो सब इसमें बताया गया है। तो अपन एक एग्जाम्पल मान लेते हैं। सपोज आप फ्लिपकार्ट पे गए और वहां पर आपने कोई ऑर्डर बुक किया, से आपने एक मोबाइल परचेज किया, सिंपल। अब मोबाइल परचेज किया तो क्या वो मोबाइल फ्लिपकार्ट से परचेज किया या फिर किसी डीलर से परचेज किया? हम तो किसी को नहीं जानते, हम तो फ्लिपकार्ट पे गए वहां से परचेज किया है। सो नाउ फ्लिपकार्ट कैसे उसकी अकाउंटिंग करेगा, कैसे वो प्रोडक्ट कहां से सप्लाई होगा, कौन कौन इसमें पर्सन इंक्लूड हो सकते हैं, वो सब फैक्टर हमको यहां पे कवर करने हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपने ऑर्डर किया तो एक तो पार्टी आप खुद ही हो गए, अरे ऑब्वियस आप उसको परचेजर हो, एक पार्टी फ्लिपकार्ट हो गई, वेरी गुड। अब तीसरी पार्टी हो सकता है हो भी और हो सकता है फ्लिपकार्ट खुद ही परचेज करके रखा हो और खुद ही बेच रहा हो, जैसे कि आप उस पर जाने के बजाय एप्पल की वेबसाइट पर गए, आपको एप्पल मोबाइल परचेज करना है तो आप एप्पल की वेबसाइट पे गए और एप्पल की वेबसाइट आपने ज्यादा परचेज कर लिया, तो बीच में कोई नहीं है, आप और एप्पल। लेकिन एप्पल की वेबसाइट पे लोग जाना कम पसंद करते हैं या फिर उनको लगता है ऑफर नहीं होते हैं, तो लोग अमेजोन या फ्लिपकार्ट या कोई और वेबसाइट पे चले जाते हैं। तो अब हमको अकाउंटिंग सोचनी है कि कैसे अकाउंटिंग होती होगी, जैसे आपने एक ऑर्डर परचेज किया, सिंपल एक मोबाइल परचेज किया, तो कैसे अकाउंटिंग वो करते होंगे। तो फ्रेंड्स, आप परचेजर हो गए, फ्लिपकार्ट सेलर हो गया, मैं अपने एग्जाम्पल को रेगुलर रख रहा हूं, ठीक है। और थर्ड पार्टी में भी हो सकता है फ्लिपकार्ट ने खुद ने परचेज करके रखा हो, में भी हो सकता है फ्लिपकार्ट ने कोई डीलर का कांटेक्ट लेकर रखा हो कि भैया तू एक काम करना, ऑर्डर जैसे ही मेरे को आएगा मैं तेरे को फॉरवर्ड कर दूंगा, माल उधर सप्लाई कर देना। और फ्लिपकार्ट को क्या मिलेगा, डेफिनेटली कमीशन मिलेगा। तो एक हो सकता है फ्लिपकार्ट ने खुद ने परचेज कर लिया, एक हो सकता है उसने उस बंदे से बोल दिया तू मेरे बिहाब पे उसको भेज देना, तीसरा हो सकता है वो बोले कि भाई देख उसका पेमेंट मैंने ले लिया है, माल तू भेज दे, जो तेरा कॉस्ट हो वो मेरे को बता दे, उतना पैसा मैं तेरे को भेज देता हूं। माने मैंने पहले से परचेज नहीं किया है, बट अब मैं आपको बोलता हूं कि ऑर्डर आ चुका है, आप जाइए और उसको डिलीवर कर दीजिए, पैसा मेरे अकाउंट में आ चुका है, मैं आपको पैसा दे दूंगा जितना आप मेरे को बोलोगे। माने
प्री डिसाइडेड प्राइस है, डेफिनेटली ऐसा नहीं कि बाद में बोल दिया उतना दे देगा। तो फ्रेंड्स ये सब अकाउंटिंग पॉसिबल हो सकती है, वो सब अकाउंटिंग हमको करके दिखानी है। ये सब अकाउंटिंग क्या करते होंगे, कैसे अपने को इसको बुक्स में रिकॉर्ड करना है, किसके यहां पे जीएसटी चार्ज होगा, किसके यहां पे नहीं होगा, वो सब दिमाग लगाना है। जीएसटी मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ जीएसटी के रेट में नक्की करनी है, वो तो सब हमको क्वेश्चन में दिया रहेगा। वो जीएसटी के रेट नक्की करनी है तो फिर हमको इनडायरेक्ट टैक्स में जो अपना जीएसटी का डिपार्टमेंट है उधर जाना पड़ेगा। हम तो यहां पर खाली अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं। ओके वेरी गुड। तो थोड़ा कुछ माइंड में हलवा बना, क्योंकि क्या है फ्रेंड जब नए टॉपिक आते हैं तो उनमें क्या है लोग अननेसरी बहुत सारी चीज़ें दिमाग लगा लगा के कन्फ्यूज हो जाते हैं। हमको स्ट्रेट फॉरवर्ड सोचना है कि जो ई कॉमर्स वाले जैसे एग्जाम्पल के लिए फ्लिपकार्ट और अमेजॉन वाले कैसे अपनी अकाउंटिंग करते होंगे, उन सब पार्टियों के बीच में कैसे अकाउंटिंग बनता होगा, वो हमको ई कॉमर्स में दिखाना है। ठीक है ओके। तो एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल लेके आपको विथ जर्नल एंट्री एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले तो ये जो ई कॉमर्स है वो हुआ क्या, यस अकाउंटिंग फॉर ई कॉमर्स बिजनेस। ओके अकाउंटिंग फॉर ई कॉमर्स बिजनेस चैप्टर 20 ये आपके लास्ट मॉड्यूल में आता है, राइट ओके। सो नाउ फ्रेंड्स पहले तो आपको ई कॉमर्स बिजनेस क्या होता है वो समझ में आ गया। अब इसके ऊपर हम हलवा बहुत सारा डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन समझना क्या है कि एक्चुअली एग्जाम में क्या करना है, तो अकाउंटिंग करनी है। उसने नाम भी दिया है अकाउंटिंग फॉर ई कॉमर्स बिजनेस, वो नहीं चाहता कि तुम फालू टाइम पास करो। तो ई कॉमर्स का मतलब समझाने के लिए आपको क्या बताऊं मैं, ऑनलाइन बिजनेस। ठीक है तो लिखो ई कॉमर्स मीन्स ऑनलाइन बिजनेस लाइक फ्लिपकार्ट अमेजॉन और एक्सेट्रा एक्सेट्रा आप लिख सकते हो। ठीक है नाउ हाउ दे डू अकाउंटिंग। तो अब मैं आपको बताता हूं इनका जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो हम तीन टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। मैंने अभी भी आपको बताया कि हम क्या मानेंगे कि फ्लिपकार्ट पे जैसे ही आपने ऑर्डर दिया तो एक तो पार्टी आप है, वो होने दो। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि फ्लिपकार्ट कैसे डील करेगा, सब में डील तो फ्लिपकार्ट को ही करनी है। हम ई कॉमर्स बिजनेस के यहां पे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उसके यहां पे रिकॉर्ड करना है, तो ये किसकी बुक में हो रही है, अकाउंटिंग इन ई कॉमर्स बुक। तो मैं ऊपर लिख देता हूं आपको कंफ्यूजन ना हो इसके लिए, इन द बुक्स ऑफ ई कॉमर्स बिजनेस, माने हम ई कॉमर्स बिजनेस के यहां पर काम कर रहे हैं। ठीक अच्छा एक हम क्या हो सकता है, हम बोलेंगे कि हम ही खरीदेंगे, जैसे एग्जांपल के लिए फ्लिपकार्ट, जैसे आज आप दुकान निकाल के बैठ जाओ आपको सामान खरीदना पड़ेगा ना, तो आपने क्या किया जो मोबाइल है आपने खुद नहीं परचेज करके लेके आ गए और आपकी दुकान पे कोई आया आपने उसको बेच दिया, सिंपल हो गया काम खत्म। तो वो कैसा है, खुद ने परचेज किया और खुद ने ही सेल कर दिया, राइट मतलब प्रिंसिपल बेस्ड बिजनेस है हमारा। तो हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल बेस्ड बिजनेस, ई बिजनेस। ठीक है ना, मतलब हम लोग खुद ही परचेज करेंगे और खुद ही सेल करेंगे। ठीक अब इसका मतलब हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, राइट वी आर डूइंग लाइक अ ट्रेडिंग लाइक नॉर्मल बिजनेस। ठीक है ओके। दूसरा हो सकता है कि वी वर्क एज एजेंट, लेकिन पैसा हम अपने अकाउंट में ले लेंगे और बाद में उसको देंगे। क्या बोल के, देख भाई ऑर्डर आया हुआ है, एक नया फोन परचेज किया है किसी ने, से एप्पल का परचेज किया है, उसकी प्राइस हमने 60,000 रुपीज चार्ज कर ली है और हमारे अकाउंट में पैसे आ चुके हैं। अब तू उसको फटाफट माल भेज दे और तेरे को बता कितना पैसा मेरे को देने का है, मैं उतना पैसा तेरे को ट्रांसफर कर देता हूं। तो वे भी हो सकता है बोलेगा 56,000 सपोज, तो 4,000 इसको बच जाएंगे। ठीक है तो वर्क एज एजेंट बट विथ रिस्क, एजेंट की तरह काम कर रहा है बट विथ रिस्क, रिस्क लेकर रखी है उसने किसकी, क्रेडिटेबिलिटी की,
क्रेडिट रिस्क, कौन सी रिस्क है ये, क्रेडिट रिस्क। अब व्हाट इज क्रेडिट रिस्क, तो क्रेडिट रिस्क को समझाने के लिए एक सिंपल वर्ड में आपको बता देता हूं कि जब हम वो जो पैसा आया है वो अपने अकाउंट में क्रेडिट हुआ है कि नहीं हुआ है और उसकी जिम्मेदारी हमारी है। अगर हम कैश ऑन डिलीवरी मंगाते हैं पैसा, अमेजोन फ्लिपकार्ट पता है ना, शॉपिंग कभी तो की होगी उस पर भी, तो जब कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन लेते हैं तो कैश कलेक्ट करके लेके कौन की जिम्मेदारी है रखने की, जिसकी क्रेडिट रिस्क लेके रखी है। तो यहां पर फ्लिपकार्ट ने बोला मैं क्रेडिट रिस्क लेता हूं, मेरे अकाउंट में पहले पैसे आएंगे या मेरा बंदा पहले पैसा कलेक्ट करेगा बाद में तेरे को देगा, ठीक है। ओके, तो ये एक केस हो गया। यहां पर हम एजेंट, यहां पर प्रिंसिपल थे। अब यहां पर भी वापस हम बनाते हैं कि विल वर्क एज एजेंट बट विदाउट क्रेडिट रिस्क। एकदम सिंपल काम है। जैसे आप लोग मेरे लेक्चर ही सपोज आप लोग लेते हो, तो कभी बार आप मेरे से डायरेक्टली ले लेते हो, आप मेरे को डायरेक्टली, मेरी टीम को डायरेक्टली फ़ोन लगा के ले लेते हो। इसके अलावा बहुत सारे हमारे सेंटर हैं अलग अलग जगह, वहाँ से भी आप ले सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे हमारे जो ऑनलाइन पार्टनर हैं, जैसे कि बायटेक सीरीज, अपना मेंट्रो, अपना सीए क्लब इंडिया कॉन्फ्रेंस, बहुत सारे लोग हैं, तो आप किसी भी जगह से परचेज कर सकते हो। अब ये है नहीं, मैं इसे आपको बताना चाह रहा हूँ समझाने के लिए कि अब उनके यहाँ पे जब मेरा प्रोडक्ट सेल होगा या मेरा जो प्रोडक्ट है वो सेल करेंगे, तो उनके यहाँ पे कई लोगों के यहाँ पे सिस्टम है कि सर हम ऑर्डर आएगा आपको हम दे देंगे और आप ही बंदे को माल भेजना, तो ठीक है भाई, लेकिन पैसा हम आप हमारे अकाउंट में ले लेंगे, तो वो सेकंड कैटेगरी में आ गए। कई लोगों के यहाँ सिस्टम है कि सर आप तो अपना प्रोडक्ट हमको दे दीजिए, हम ही उसको भेजेंगे, हम ही उसका काम करेंगे और आपको जो भी आपका पैसा होगा वो आपको हम हमारा जो भी शेयर है उसको काट के आपको दे देंगे, तो वो पहला वाला बिजनेस हो गया। अब कई बिजनेस ऐसा भी लेके बैठे हैं, वो बोलते हैं कि सर देखो हम खाली आपको जो बंदे को लेना होगा उसका रिफर कर देंगे और अकाउंट में पैसे आपके डलवाएंगे, जो भी एक्स वाई जेड अमाउंट आपको लेनी है हम सीधा आपके अकाउंट में पैसे डलवा देंगे और फिर आप हमको जितना भी हमारा शेयर हो वो हमको दे देना। आर यू अंडरस्टूड? तो हम कौन सी कैटेगरी में पहुंच जाएंगे? थर्ड कैटेगरी में। अच्छा, कुछ लोग पूछ रहे हैं सर एक बार, कैन यू एक्सप्लेन अगेन? ओके, आई विल एक्सप्लेन अगेन। हम लोग ऑनलाइन बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो ऑनलाइन बिजनेस किसी का भी हो, फ्लिपकार्ट है या फिर आज हम जो स्टडी कर रहे हैं ये ऑनलाइन कर रहे हैं, आप भी ये जो लेक्चर देख रहे हैं ऑनलाइन देख रहे हो, तो वो ऑनलाइन बिजनेस में हम किस टाइप से टाइप कर सकते हैं लोगों के साथ। तो जैसे मेरे जो पार्टनर हैं, बिजनेस पार्टनर हैं, उन लोगों ने अलग अलग कंडीशन के साथ मेरे लेक्चर्स जो है अपने वेबसाइट पे या अपने पोर्टल पे डाल के रखे हुए हैं। कैसे कि एक बोलता है कि आप मेरे को अपना प्रोडक्ट दे दीजिए, हम ही सेल करेंगे, हम ही अपने अकाउंट में पैसे लेंगे और हम आपको नेट अमाउंट जो भी आपके लिए बचेगी वो आपको दे देंगे। तो पहला काम हो गया प्रिंसिपल बेस, माने प्रोडक्ट भी उनका, सेल भी उनका, सब कुछ वही कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा जो कि मोस्ट लोग करते हैं, वो क्या बोलते हैं कि सर हम जैसे ही ऑर्डर आएगा हम एक्सेप्ट कर लेंगे ऑर्डर को, पेमेंट भी हमारे अकाउंट में आ जाएगा और आपको हम फॉरवर्ड कर देंगे ऑर्डर, आप उसको डिलीवर करवा देना। तो क्रेडिट रिस्क उनकी है, पैसा दे दिया है वो उनके अकाउंट में पहुंचा है, वो लोग मेरे को देंगे। थर्ड केस ऐसे भी हैं जो कि बहुत कम हैं, वो बोलते हैं कि सर हम आपके अकाउंट में पैसे डलवाएंगे, क्योंकि जब हम ऑनलाइन क्लिक करवाएंगे तब आपके अकाउंट को ही हम लिंक कर देंगे, क्योंकि हमको क्या पता वो जो ऑनलाइन क्लिक करके हम लोग जब बैलेंस लेते हैं तो कौन से अकाउंट में जा रहे हैं हमको क्या पता, तो हम आपके अकाउंट डाल देंगे और उस अकाउंट के थ्रू आपके अकाउंट में पैसे आ जाएगा और जो हमारा शेयर हो वो आप हमको अलग से दे दीजिए, क्योंकि डेफिनेटली वो भी काम कर रहे हैं फ्रेंड्स, इतनी बड़ी वेबसाइट लेके बैठे हैं, इतना सारा टीम लेके बैठे हैं, तो डेफिनेटली वी नीड टू पे देम ऑल्सो। बराबर, वेरी गुड। ये बात अलग है, उनकी दुकान कहीं है नहीं, कहीं भी दुकान चला सकते हैं वो, घर बैठ के भी चला सकते हैं, किसी गोडाउन में बैठ के भी चला सकते हैं और फाइव स्टार होटल में बैठ के भी चला सकते हैं, राइट। सो अब हमको इन तीनों केस को लेना है कि कैसे ट्रांजेक्शन की एंट्रीज होती होंगी इन तीनों के केस में, वो आपको समझ में आ जाए तो हो गया तुम्हारा ई कॉमर्स। ओके, वेरी गुड। सो लेट बी स्टार्ट विथ फर्स्ट केस। हम प्रिंसिपल मतलब बिजनेसमैन है, सिंपल, बस हम माल खरीदेंगे, माल बेचेंगे, मुनाफा होगा उसको रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। ओके,
ओके नाउ फ्रेंड्स, प्रिंसिपल बेस में हमको सोचना क्या है कि हम बिजनेस कर रहे हैं रेगुलर, सबको बिजनेस करना आता होगा। हाँ हाँ बोले सर, सीए कर रहे तो बिजनेस करना तो आता ही है, नहीं आता होगा तो अभी प्रिंसिपल ने सिखा दिया होगा। तो आप जब कोई गुड्स परचेज करोगे तभी सेल करोगे, तो हम पहले परचेज कर लें। ओके तो मैं नरेशन हेडिंग में लिख रहा हूँ, ठीक है। ओके फॉर परचेज ऑफ गुड्स, बताइए नॉर्मल परचेज कैंडी क्या होती है? वेरी गुड, परचेज अकाउंट डेबिट, यस और नो? यस। फिर अपन को पता है परचेज करते हैं तब जीएसटी सामने वाला चार्ज कर लेता है, बराबर ना। अब वो जीएसटी का रूल क्या होता है वो एक छोटा सा आइडिया दे रहा हूं, बाकी आप बड़ा भी अपने हिसाब से पढ़ना। जब हम विथिन अ स्टेट सेल करेंगे तो उसमें जो भी जीएसटी होगा वो दोनों को बटता है 50-50, बराबर, जिसको सीजीएसटी एंड एसजीएसटी बोलते हैं। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल जीएसटी और एसजीएसटी मतलब स्टेट जीएसटी। तो अगर विथिन अ स्टेट है तो हमको 50-50 लिखना है सीजीएसटी और 50-50 एसजीएसटी। अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चला गया तो फिर एक ही लगेगा, दैट इज आईजीएसटी। ओके वेरी गुड। तो परचेज करेंगे तो हमने जीएसटी पे कर दिया तो हमारा जीएसटी रिसीवेबल हो गया। ओके सो व्हाट एनडीबी पास, सपोज करते हैं हम विथिन अ स्टेट कर रहे हैं, सो एसजीएसटी रिसीवेबल, जिसका हमको क्रेडिट भी मिलेगा। ऐसे ही सीजीएसटी रिसीवेबल डेबिट टू जिसे परचेज करेंगे तो टू वेंडर, और अगर उसको कैश दे दिया तो कैश भी लिख सकते हैं, लेकिन नॉर्मली देते नहीं है पहले कैश। क्यों? क्योंकि भाई पैसा तो हमारे पास तो आने जब तेरे को देंगे, ठीक है। तो हमने वेंडर के हिसाब से कर लिया, बाद में उसके अकाउंट सेटल कर देंगे। ये परचेज हो गया, पहले अपन फर्स्ट कैश डिस्कस करते हैं फिर सारे केस डिस्कस करेंगे दोनों अपोजिट साइड वाले भी। ओके परचेज हो गया, फिर क्या करेंगे? फोर सेल करेंगे, ऑब्वियस फोर सेल। अब सेल करेंगे तो क्या हम जीएसटी सामने वाले से चार्ज कर लेते हैं, बराबर ना? यस। तो कस्टमर अकाउंट डेबिट, नॉर्मली इसको ऑनलाइन वाले बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं क्योंकि वो पैसा ले लेते हैं, या तो कैश ऑन डिलीवरी लेते हैं या फिर ऑनलाइन ही पेमेंट ले लेते हैं, बराबर। तो हाल फिलहाल के लिए गुड्स जब तक भेजा है जब तक हो सकता है वो कैश ऑन डिलीवरी लेके छोड़ दें, तो कस्टमर अकाउंट डेबिट भी कर सकते हैं, बैंक भी कर सकते हैं, बट 90% केस में बैंक ही करने का है, ठीक है। टू सेल्स, और टू जो ऊपर भरा है सीजीएसटी एसजीएसटी वो यहाँ पे ही भरना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे रिसीव करेंगे सामने वाले से, क्योंकि पैसा ले रहे हैं ना अपन, तो हम चार्ज कर रहे हैं लेकिन हमारा नहीं है, गवर्नमेंट को भरना पड़ेगा, सो उसको पेबल बोल देते हैं। सो सेम एसजीएसटी पेबल अकाउंट टू सीजीएसटी पेबल अकाउंट। अब यहाँ पे आईजीएसटी भी हो सकता है कि हमने सेल किसी और आउट ऑफ वैसे लोगों को किया, वो भी हो सकता है पॉसिबिलिटी, ठीक है। लेकिन हमको हाल फिलहाल इतना सोचना है कि जो कस्टमर से हम चार्ज करेंगे वो सीजीएसटी और एसजीएसटी, जो भी अमाउंट चार्ज करेंगे वो हमारा पेबल है, और जो हमने पे कर दिया है वो हमारा रिसीवेबल है, जिससे नेट अमाउंट हम सेटल कर देंगे। ओके वेरी गुड, ये हमने परचेज एंड सेल कर दिया, ठीक। अब जो आईजीएसटी है, अब जो सीजीएसटी या जो अमाउंट है उसको हमको पे करना पड़ेगा, क्योंकि हमने डेफिनेटली चार्ज ज़्यादा किया होगा और पे कम किया होगा, क्योंकि परचेज सस्ते भाव से करते हैं, सेल महंगे भाव से करते हैं, बरोबर। सो हम क्या करेंगे, अभी जीएसटी का पेमेंट करेंगे। सो पेमेंट करने की एंट्री क्या हो जाएगी? कैश लेजर के थ्रू करते हैं, ठीक है। सो कैश लेजर ऑफ एसजीएसटी और सीजीएसटी, ठीक है, अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, ये हमने पे कर दिया, सीजीएसटी पे किया है या एसजीएसटी पे किया है, जो भी नेट अमाउंट आया, नेट अमाउंट कैसे, ये रिसीवेबल था और ये पेएबल है, दिख रहा है मेरा सर्कल? हाँ, तो नेट पे कर दिया, अकाउंट पे हो गया। अब इसका नरेशन लिख देते हैं, बीइंग जीएसटी पेड,
अब उसमें दोनों आ गए, सीजीएसटी और एसजीएसटी, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर और आगे चलते हैं। अब हम लोग जो कैश लेजर है उसको एडजस्ट करते हैं, तो अपन क्या लिखेंगे, एडजस्टमेंट फॉर कैश लेजर ऑफ जीएसटी। हम जो प्रैक्टिकल में काम करते होंगे जीएसटी में, उनको थोड़ा आइडिया होगा कि कैश लेजर सेटल किया जाता है। बट बोलने का मतलब कैसा है कि पहले कैश पे कर दिया, अब वो जो पे वाले अकाउंट, रिसीवल अकाउंट जो है ना, उनको सबको सेटल करके अपने यहां पे जीएसटी अकाउंट क्लोज कर देंगे। अंडरस्टूड? माने जो आपने जीएसटी पे किया और जीएसटी रिसीव है, उन दोनों का नेट अमाउंट जो भी आएगा दैट विल बी सेटल। ओके, वेरी गुड। सो क्या हो जाएगा नेट एंटी, बताइए जरा। तो हम लोगों ने जो पेवल बनाया था उसको डेबिट कर देते हैं। सो सीजीएसटी पेवल अकाउंट डेबिट, ऐसे ही एसजीएसटी पेवल अकाउंट डेबिट टू जो रिसीवेबल है उसको क्रेडिट कर देते हैं तो खत्म हो जाएगा। यस, सीजीएसटी रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एसजीएसटी रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, सॉरी डेबिट नहीं होगा, क्रेडिट होगा अभी, हाँ, एंड टू कैश लेजर ऑफ सीजीएसटी और एसजीएसटी। हाँ, कई लोगों को अटपटा लग रहा होगा, हो सकता है जिन्होंने जीएसटी में कभी काम नहीं किया होगा, हाँ, लेकिन सीए है फ्रेंड, तो बेसिक काम तो करना आना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, ये जीएसटी का अकाउंट सेटल कर रहे हैं, बेसिकली नेट अकाउंट को सेटल कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो अकाउंट सेटल कर दिया हम लोगों ने, ठीक है, तो सेटलमेंट हो गया। अब क्या करेंगे, अब जो वेंडर पड़ा है उसका भी अकाउंट में अकाउंट सेटल कर दो बेचारे का, राइट ना, उससे गुड्स खरीदा था। तो फिफ्थ, फॉर सेटलमेंट ऑफ वेंडर अकाउंट, तो जैसे हम गुड्स परचेज किए थे तो उसको भरना पड़ेगा ना वेंडर, तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक, भर दिया उसको। और अगर हमने कस्टमर से उधार बेचा हो, वैसे कस्टमर को उधार होता नहीं यहां पर, यहां पर सब बैंक में ही मिलता है, या कैश मिल जाएगा ऑन डिलीवरी, उधार कोई नहीं देता है। हाँ, ट्रांजेक्शन कई बार बी टू बी भी हो सकते हैं, तो उधार हो सकता है, क्योंकि जो कॉमर्स बिजनेस होता है वो बी टू बी भी हो सकता है, बी टू सी भी हो सकता है। वॉट इज बी टू बी, यस, बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन। वॉट इज बी टू सी, बिजनेसमैन टू कस्टमर। तो उसके ऊपर मैंने थोड़ी सी थ्योरी आपको मैं एक बार लिखवा दूंगा, तो आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि ये भी सब ट्रांजेक्शन हो सकता है, बट ये तो नॉर्मल बिजनेस है। ओके, वेरी गुड। तो फॉर सेटलमेंट ऑफ वेंडर अकाउंट कर दिया, ऐसे ही कस्टमर का अकाउंट अगर आना होगा तो कस्टमर को भी अकाउंट सेटल कर देंगे, ठीक है। तो ऐसी हमारी 4-5 एंट्री हो गई और हमारा काम हो गया। अब यहां पर अपना कमीशन या अपना प्रॉफिट क्या रहा, डेफिनेटली परचेज सस्ते भाव से किया होगा और सेल महंगे भाव से किया होगा, ऑब्वियस। ओके, वेरी गुड। तो फ्रेंड्स, ये बनाया हमने फर्स्ट केस, जब हम प्रिंसिपल की तरह काम कर रहे हैं। इसके और भी बहुत सारे नाम हैं, मैं तो ये आपको एक जनरल टर्म में बता रहा हूं जिससे आपको ये इजी लगे, ये कोई डिफिकल्ट नहीं है, बराबर। फिर इसके भी सम कर लेंगे हम मॉड्यूल के सम जो दिए हैं, तो आपको और आइडिया मिल जाएगा, ठीक। नाउ सेकंड केस, जब हम एज एजेंट काम करें, तो एजेंट के केस में हमारी गुड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, गुड्स डायरेक्टली वापस में भेज देंगे, हम पैसा रिसीव जरूर करेंगे, क्योंकि हम विद रिस्क काम कर रहे हैं, विद क्रेडिट रिस्क काम कर रहे हैं, ठीक है। ओके, सो यहां पर हम क्या लिखेंगे, फॉर सेल एंड परचेज वी विल राइट पार्टी अकाउंट डायरेक्टली। जैसे कि सपोज करते हैं गुड्स परचेज किया आपने और सेल किया एक्स वाई जेड ने, तो एजेंट जो अपने यहां पे जो अपना वेबसाइट है, जो फ्लिपकार्ट है, से अपने मोबाइल परचेज जो किया था, वो मोबाइल परचेज करने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से हम परचेजर हो गए, यानी कि वो फ्लिपकार्ट वाला उस परचेजर से पैसे लेगा, बराबर, और उस पार्टी को देगा। कौन सी पार्टी को, जिससे वो गुड्स परचेज करके आपको दे रहा है, लेकिन पैसा आप फ्लिपकार्ट को ही दोगे। ओके, वेरी गुड। तो अभी हम क्या एंट्री पास करेंगे, नेट ऑफ एंट्री, वो आपको बतानी है।
यस फ्रेंड्स, तो देखो ये परचेज सेल आपस में कट गया ऐसा मान लो, परचेज सेल तो आने वाला नहीं है, अब खाली पार्टी टू पार्टी रखना है अपन को, तो हम गुड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे रहे, हम यहां पे लिख देते हैं बट बी आर नॉट टेकिंग रिस्क ऑफ इन्वेंट्री, माने इन्वेंट्री हमारे हाथ में आएगी नहीं, तो कहेंगे रिस्क हम तो खाली मिलवा देंगे तुम दोनों को, भाई तू भेजो उधर गुड्स, मैं भेज दूंगा उसको, बंदे को बोल दूंगा भाई गुड्स आप भेज दो, और जिसको गुड्स मिलना है उसको गुड्स रिसीव हो जाएगा, तो वो दोनों उसके पटन पे मिल गए, और क्या है, माने इन्वेंट्री की जिम्मेदारी फ्लिपकार्ट की नहीं है, फ्लिपकार्ट खाली माल लेगा, पैसे अपने अकाउंट में डालेगा और उन दोनों से बोलेगा माल भेज, और अगर किसी को भी तकलीफ हुई तो स्पेशली वेंडर को तो कभी भी रोक सकता है, बराबर है, यस। तो बताइए मेरे को, देखो यहां पर सेल परचेज कट गया आपस में, तो कस्टमर का अकाउंट डेबिट हो गया, बराबर, और वेंडर का अकाउंट क्रेडिट हो गया, तो अपन नेट एंट्री पास कर देंगे यहां पर, दैट इज ये फर्स्ट एंट्री हो रही है हमारी, ये देखो वेंडर क्रेडिट हो रहा है ना यहां पर, तो वेंडर को क्रेडिट करना है, और कस्टमर अकाउंट डेबिट कर देंगे, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, अंडरस्टूड। अब कौन सी अमाउंट से करेंगे, तो एंड में तो कस्टमर पैसा देने वाला है ना, तो कस्टमर पैसा देने वाला है तो हम बैंक भी लिख सकते हैं, अगर कस्टमर को नहीं लिखना है हमको डायरेक्टली, तो अगर ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया उसने तो बैंक हाथ में आ गया, लेकिन किसका है वो, वेंडर के लिए देना है आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग अवर कमीशन, डेफिनेटली यार कुछ तो इतनी मेहनत कर रहे हैं तो कुछ तो कमाएगा ना, उसमें क्या बात है, कोई बुराई थोड़ी है, बराबर कि नहीं, तो बोलो यस, वेरी गुड। तो कस्टमर टू वेंडर कौन सी प्राइस लेंगे, सेलिंग प्राइस, ये हमारी एंट्री नंबर वन हो गई, ठीक, ओके। नाउ अब ये परचेज सेल नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कमीशन तो लेंगे हम लोग, तो कमीशन की एंट्री पास करनी पड़ेगी, यहां तो परचेज सेल हमने अपने आप परचेज सस्ते भाव से किया, सेल ज्यादा महंगे भाव से कर दिया, तो अपने आप मुनाफा आ गया, लेकिन यहां तो दोनों अकाउंट सेम से ही क्रेडिट किए, हमने उसको बोला हमने कस्टमर से एक्स वाई जेड अमाउंट चार्ज कर लिया है, अब तू हमारा कमीशन बोल कितना होगा, वेरी गुड। तो अब इसको क्या हो जाएगा, इसका कमीशन इसके यहां पे क्रेडिट कर देंगे, किससे कमीशन लेंगे, वेंडर से लेंगे, तो यहां पर लिखेंगे फॉर कमीशन, कमीशन की एंट्री हो जाएगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू कमीशन, अब कमीशन होगा तो सीजीएसटी वो सब चार्ज करना पड़ेगा ना, तो या तो सीजीएसटी होगा, सीजीएसटी तो एसजीएसटी भी आएगा, या आईसीएसटी होगा, बराबर, वो डिपेंड करेगा कि जो बंदा है वो कहाँ पे है, अगर वो सर्विस प्रोवाइडर का जो हेड ऑफिस है या जो कॉर्पोरेट ऑफिस है वो अगर उसी स्टेट में है जिस स्टेट में परचेज सेल हो रहा है, तो उसका मतलब वो सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज करेगा, लेकिन अगर वो स्टेट से बाहर हो गया तो वो आईजीएसटी चार्ज करेगा, और कोई मेरे से जीएसटी जीएसटी नहीं समझ रहा ऐसा कोई मत बोलना, ठीक है, वो तो जीएसटी यार बेसिक, हम यहाँ पे बेसिक डिस्कशन कर रहे हैं अकाउंटिंग, ओके। सो टू कमीशन, और टू मैं यहां पे आईसीजीएसटी लिख दूं, आईजीएसटी, ठीक, ओके। ये पेबल आएगा, रिसीवेबल आएगा, पेबल आएगा, क्योंकि सामने वाले से हम चार्ज कर रहे हैं, हमको भरना पड़ेगा, ओके। फिर नंबर थर्ड एंट्री, उनके अकाउंट सेटल करने पड़ेंगे, जीएसटी को भी भरना पड़ेगा, तो पहले जीएसटी को सेटल कर दे, सो जीएसटी पेड, क्या हो जाएगा, कैश लेजर आईजीएसटी, कैश लेजर आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक, सेम एंट्री हो गई, जो एंट्री यहां पे की थी वही एंट्री यहां पे हो गई। फिर एडजस्टमेंट ऑफ जीएसटी अकाउंट, तो उसमें क्या करेंगे, जो जीएसटी पेबल है वो खत्म हो जाएगा, आईजीएसटी पेबल अकाउंट डेबिट, आपको रिसीवेबल तो है नहीं एडजस्ट करने के लिए, सीधा कैश लेजर लिख देंगे, जो हमने पहले पे कर रखा है वो कैश लेजर में डाल दिया, कैश लेजर ऑफ आईजीएसटी, ओके। ये दोनों की हम चाहें तो नेट एंट्री भी पास कर सकते हैं, वो है डायरेक्टली पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, बट मैं बोलूंगा कैश लेकर थोड़ी लेके जाओ, क्योंकि जो आप प्रैक्टिकल लाइफ में करते हो वैसे यहां पे करो, ओके, वेरी गुड।
अब नंबर फाइव, अब हम वेंडर के अकाउंट सेटल कर देते हैं भैया, वेंडर का भी जो भी है उसको पे कर दो आफ्टर डिडक्टिंग योर कमीशन एंड आईजीएसटी। देखो ये कमीशन काटा ना, कमीशन आईजीएसटी काट के उसको पे कर दो, तो एंट्री क्या हो जाएगी, सेटलमेंट ऑफ वेंडर अकाउंट, तो वेंडर को पे कर देंगे। सो वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये जो यहां पे पास की ना अपन ने, वो एंट्री यहां पे पास हो, थोड़ा ऊपर हो गया है, कोई बात नहीं, ओके वेरी गुड। तो क्या डिफरेंस रहा दोनों में बता सकते हो? यस फ्रेंड्स, यहां पे हम परचेज सेल कर रहे हैं एज अ बिजनेसमैन, और यहां पे हमने पार्टी के डायरेक्ट अकाउंट ही सेटल कर दिए और अपने हिस्से का कमीशन की अलग से एंट्री पास कर दी, बराबर है? तो नो प्रॉब्लम, कमीशन की एंट्री एक्स्ट्रा पास हो गई, यहां पे कमीशन की एंट्री पास करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि यहां पे सेल परचेज हमने ज्यादा कम भाव से कर लिया, बराबर। एक मैं थोड़ा सा एग्जांपल भी ले लूंगा आपको, तो आपको इसी अमाउंट में फिल कर देंगे, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा, ठीक है? ओके चलिए, अब इस केस में आते हैं, वो बोलते हैं भाई देख, ना तो हमारी क्रेडिट रिस्क है, ना ही हमारी इन्वेंटरी रिस्क है, ना तो हम माल भेजने वाले हैं, ना हम माल खरीदने वाले, ना पैसा लेने वाले हैं, हमको तो खाली अपना कमीशन दे देना और काम हो गया। ओके वेरी गुड, सो हाउ वी पे अवर कमीशन? यस, तो अब हमको कमीशन के लिए एंट्री पास करनी है, बताइए क्या एंट्री पास कर दो? अभी भी तो पास की थी सर आपने, सेम एंट्री पास कर दीजिए, तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू कमीशन टू आईजीएसटी या सीजीएसटी भी हो सकता है, बट पेएबल, ठीक है? कौन सी अमाउंट? ओनली कमीशन की अमाउंट, और बाद में हम कमीशन रिसीव कर लेंगे। सो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू वेंडर, ये हो गया बीइंग कमीशन ड्यू, और ए हो गया बीइंग कमीशन रिसीव, ठीक है? हालांकि उससे पहले हमको आईजीएसटी का भी पेमेंट कर देना चाहिए, तो आईजीएसटी का पेमेंट क्या हो जाएगा, ये वाली एंट्री हो जाएंगे सेम जो यहां पे पास की थी, बराबर। सो थर्ड नंबर एंट्री सेम, फोर्थ नंबर एंट्री सेम, बोलो सेम क्या होगी, जीएसटी को पे करेंगे तो कैश लेजर आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक, लिख देता हूं, चलो कैश लेजर आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक, फिर ट्रांसफर कर देंगे तो आईजीएसटी पेएबल टू कैश लेजर आईजीएसटी अकाउंट, हो गया पेमेंट, ओके। और ये जो सेटलमेंट करनी है, यहां पर हम पे कर रहे थे दोनों में, यहां पे हम रिसीव कर रहे हैं वेंडर से, तो हमने वेंडर उधर ही रिसीव कर लिया, हम चाहें तो इधर रिसीव कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ना परचेज की एंट्री होगी, ना सेल की एंट्री होगी, ना कोई पार्टी की एंट्री होगी, खाली अपने कमीशन की एंट्री होगी और कमीशन के ऊपर जीएसटी भरने की एंट्री होगी। ओके अंडरस्टूड, ओके एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ फ्रेंड्स, सिंपली हम लोग ई कॉमर्स की बात कर रहे हैं, ऐसे लोग जो बिजनेस ऑनलाइन करते हैं जैसे फ्लिपकार्ट अमेजॉन, इन लोगों का काम क्या है, ये हो सकता है प्रिंसिपल की तरह काम करे जो हमारा पहला वाला है, ये हो सकता है हमारे एजेंट काम करे लेकिन पैसा अपने अकाउंट में क्रेडिट कर लें, ये हो सकता है एजेंट काम करें और पैसा भी हमारे अकाउंट में ही ट्रांसफर करें, उन तीनों की कैटेगरी में हमको एंट्री पास करनी है, और हमने एंट्री पास की है इन द बुक्स ऑफ ई कॉमर्स बिजनेस। अब वो पार्टियां हैं उनके यहाँ पे भी एंट्री पास होती होंगी, लेकिन वो ई कॉमर्स वाले नहीं है, वो नॉर्मल सेल वाले हैं, वो अपने यहाँ पे दिखा देंगे सेल करने की एंट्री, ये मानेंगे कि हमने ई कॉमर्स को सेल किया, और क्या है, ओके वेरी गुड। तो फ्रेंड्स ये हमारा एक बेसिक आइडिया है अबाउट ई कॉमर्स बिजनेस, अब मैं इसके ऊपर आपको एक सम और करा दूंगा, बराबर। वो सम होने के बाद आपको जो सब चीज़ें हैं, मैंने एक छोटे से नोट्स भी बना के रखे हुए हैं, वो नोट्स भी आपको रीड करवा देते हैं किसी बच्चे से, तो एक आपको पूरा जो थ्योरिकल बेस है उनका भी आइडिया मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स? ये समझ में आ गया, यहाँ पे प्रिंसिपल की तरह काम करेंगे, मतलब परचेज सेल जैसे हम बिजनेस कर रहे हैं पूरा, यहाँ पर हम खाली एजेंट काम करेंगे, हम गुड्स नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे लेकिन कैश हमारे अकाउंट में आएगा, और यहाँ पर हम एजेंट काम करेंगे बस, आगे कोई दिमाग नहीं लगाएंगे, ठीक है? ओके इसके ऊपर फ्रेंड्स क्वेश्चन जो है
वो आपके जो बुक में करीबन 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं वो एक बार अपन देख लेते हैं। वो 4 क्वेश्चन में से फर्स्ट 2 क्वेश्चन तो थ्योरिकली हैं, खाली आपको बेसिक आइडिया देने के लिए, और बाकी के 2 क्वेश्चन हैं वो थोड़े प्रैक्टिकल हैं। ठीक है, सो लेट्स डू ऑल 4 क्वेश्चन। अच्छा फ्रेंड्स, एक बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करते हैं। जैसे कि ई कॉमर्स वाले जब हैं, जैसे हमने ऑर्डर दे दिया, वैसे ही अपनी बुक्स में रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि जब वो गुड्स डिलीवर हो जाता है जब करते हैं, या वो गुड्स की रिटर्न की पॉलिसी खत्म हो जाती है जब करते हैं। तो अपन उसके ऊपर छोटा सा एक नोट लिख देते हैं, रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज। देखो फ्रेंड्स, आपका इंड एस भी इस पे लिए अप्लीकेबल होता है। इंड एस 18 जिसको बोलते हैं अपन लोग, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, जो कि पहले AS 9 हुआ करता था, इसका भी यही मानना है कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन कब करना चाहिए। तो वंस इट इज कंफर्म, जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप कहीं किसी को गुड सेल कर रहे हो और उसको पता है कि उसके पास रिटर्न पॉलिसी है कि ही कैन रिटर्न इट, तो उस केस में हमने सीखा हुआ है कि हम हो सकता है उसको अभी सेल मान लें, बाद में रिटर्न हो तो रिटर्न दिखा दें, या हो सकता है उसे अभी सेल माने ही ना, उसको सेल ऑन अप्रूवल ही रखें। ऐसे यहां पर है, आपको अपने यहां पर अकाउंट कब करना चाहिए। तो नॉर्मली केस में एक जनरल अजम्पशन होता है कि जैसे ही बंदे को गुड्स डिलीवर हो गया, आपको अपने यहां पर रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए। कब? व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड। लेकिन गुड्स डिलीवर्ड होने से भी कई लोग उससे पहले भी रिकॉर्ड कर लेते हैं, कई लोग जो एक्सपायरी ऑफ गारंटी है, जैसे आपको पता होगा ऑनलाइन बिजनेस में गारंटी बहुत ज्यादा होती है, विदाउट कंडीशन गारंटी होती है। आपने कोई गुड्स परचेज किया, आपको पसंद नहीं आया, आपने बोल दिया नहीं साहब पसंद नहीं आया, वो वापस लेके जाते हैं विदाउट डिडक्टिंग एनी कॉस्ट। वो क्या है? वो गारंटी सेल, रिटर्न सेल है। तो गारंटी रिटर्न सेल है मतलब वो गारंटी हमारे पास ऑप्शन है कि वो 10-12 दिन तक, जब भी अपनी वारंटी रहती है, नॉर्मली 15 डेज होती है, तो 15 डेज तक हम उसे रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन 15 डेज तक वेंडर वेट नहीं करेगा, वेंडर उसको रिकॉग्नाइज जब कर लेगा जब वो डिलीवर्ड हो गया। ओके, सो इंड एस 18 के हिसाब से वी शुड रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू वंस इट इज कंफर्म और पॉसिबिलिटी ऑफ कंफर्मेशन इज अराइज। ओके, अगेन इट इज डिपेंड ऑन द कंपनी पॉलिसी कि वो कब रिकॉर्ड करता है। जैसे मैंने बताया कि नॉर्मली हमको रिकॉर्ड कर लेना चाहिए जैसे ही हमारा गुड्स डिलीवर हो गया, लेकिन अगर गुड्स डिलीवर नहीं हुआ है उससे पहले भी हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं, जैसी ऑर्डर आ गया तब भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। और कई लोग डिलीवर होने के बाद, लेकिन एक्सपायरी ऑफ जो रिटर्न की पॉलिसी है वो होने के बाद रिकॉर्ड करते हैं। तो क्वेश्चन जैसा बोलेगा वैसा करेंगे, क्वेश्चन साइलेंट है तो वी शुड रिकॉर्ड रेवेन्यू वंस इट इज डिलीवर्ड। बराबर, तो अपन क्या बोल सकते हैं, रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज वंस इट्स डिलीवर्ड और रिस्क एंड रिवॉर्ड आर ट्रांसफर। सिंपल, ठीक है। तो इसका प्रॉपर नोट भी मैंने एक बार आपको बनवाऊंगा, या जो मैंने नोट्स में आपको मैंने रीड करवाऊंगा जो मैंने बच्चों को बना के दिया हुआ है, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, ओके, सो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है, पेज नंबर 20.14, राइट। सो आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 20. इतना है फ्रेंड्स, 20.14। ओके, लेट्स रीड व्हाट दे सेइंग। एज एन ई कॉमर्स कंपनी परचेज ट्रेड्स गुड्स फ्रॉम द होलसेलर, ओके, इट वुड सेल दीज गुड्स टू द कस्टमर एंड कस्टमर एंड मे और मे नॉट कैरी द एसोसिएट इन्वेंट्री रिस्क एज इट परचेज गुड्स फ्रॉम द होलसेलर ओनली वेन इट्स रिसीव ऑर्डर फ्रॉम द एंड कस्टमर। ये देखा, मतलब क्या है फ्रेंड्स कि एंड कस्टमर को जब तक ऑर्डर नहीं आता, जब तक हम परचेज नहीं करते, जब ऑर्डर आ गया जैसे हमने परचेज कर लिया, लेकिन परचेज हम करते हैं, तो मतलब कौन सा बिजनेस कर रहे हैं फ्रेंड्स? यस, वी आर डूइंग प्रिंसिपल बिजनेस।
हम प्रिंसिपल को हिसाब से कर रहे हैं बिजनेस, हम प्रिंसिपल ले रहे हैं, मतलब पहले गुड्स परचेज करेंगे फिर सेल करेंगे, मुनाफा अपन कमाएंगे डायरेक्टली, हमारे वेंडर को नहीं बताएंगे इतना मुनाफा कमा लिया हमने, क्योंकि उससे परचेज करेंगे इसको सेल कर देंगे। लेकिन परचेज कब करेंगे, जब ऑर्डर आ जाएगा, हाँ तो वो चलेगा कोई बात नहीं, बट परचेज करने के बाद अगर गुड्स वापस आ गया तो फिर उस फ्लिपकार्ट वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि वो लोग अब एंड में उनको संभालना पड़ेगा फिर। अंडरस्टूड? यस फ्रेंड्स। सो अभी हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कब तक की है कि जब अगर गुड्स गया और कस्टमर ने वापस कर दिया, तो हो सकता है कि हमारा वेंडर हमसे वापस ले या ना ले, उतनी रिक्स हमारी है, लेकिन परचेज सेल हम ही कर रहे हैं, तो मतलब पहले वाले हम बन गए प्रिंसिपल, बराबर। पैसा भी हमारे अकाउंट में आने वाला है, इन्वेंट्री भी हमारी रिस्क वाली जाने वाली है, लेकिन हमारी रिस्क वाली कब जाएगी, हम किसे परचेज करेंगे, जब ऑर्डर आ जाएगा तब। ओके, नो प्रॉब्लम। हाउएवर इट मे बी बियर द रिस्क ऑफ दोज इन्वेंट्री आइटम दैट हैव बीन रिटर्न बाय द कस्टमर। ओके, डिटरमाइन द रेवेन्यू रिकॉग्निशन फॉर ई कॉमर्स कंपनी। ये लो, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कब करेगा वो? तो सिंपल फ्रेंड्स, जैसे ही गुड्स डिलीवर्ड हो गया, ही कैन रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू, उससे लेगा, इसको दे देगा, बराबर। बाकी का लिखने का तरीका, जैसा हम हर एक इंडेक्स का आंसर लिखते हैं, वैसा इसका भी आंसर लिखा जा सकता है, बराबर। सो एज पर ई कॉमर्स रूल, आप ऐसा बोल के, वेन वी शुड रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू, वंस इट इज कन्फर्म फॉर दैट वी शुड चेक गुड्स आर डिलीवर्ड, एंड वंस गुड्स आर डिलीवर्ड वी कैन रिकॉग्नाइज द रिवेन्यू। और साथ में ये भी लिख सकते हैं कि हमारा प्रिंसिपल वाला कैटेगरी में आ रहा है, क्योंकि हम गुड्स परचेज सेल कर रहे हैं, तो एंट्री भी अगर आएंगी तो एंट्री भी हम लिख सकते हैं, पहले परचेज की एंट्री, फिर सेल की एंट्री, और फिर नेट ऑफ सेटल करने की एंट्री, माने वेंडर को सेटल करेंगे और जीएसटी वगैरह होगा तो उसका पेमेंट करेंगे, ठीक है, परफेक्ट। सो ये देखो इन्होंने क्या लिखा है, इन द गिवन केस द ई कॉमर्स कंपनी डज नॉट सीम टू बियर सिग्निफिकेंट इन्वेंटरी रिस्क, मतलब इन्वेंटरी रिस्क नहीं ले रही है, लेकिन इतना इन्वेंटरी रिस्क ले रही है जितना गुड्स उसने परचेज कर लिया। ओके, हाउएवर इट मे बी बियर द फॉलोइंग क्रेडिट रिस्क, वो तो ऑब्वियस जाएगी। इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रोवाइडिंग द गुड्स टू द कस्टमर, डेफिनेटली दैट इज फुलफिल द ऑर्डर। फिर डायरेक्ट प्राइजिंग डिस्क्रिप्शन, बराबर। फिर डायरेक्शन इन सिलेक्शन ऑफ द सप्लायर होलसेलर, उसको कौन सा गुड्स देना है। देयर फोर इन केस द ई कॉमर्स कंपनी शुड रिफ्लेक्ट ग्रॉस बिलिंग टू इट्स कस्टमर एज इट्स रेवेन्यू, तो वो बोलने का मतलब यही है फ्रेंड्स कि आपको जो पैसा मिलने वाला है वो अपने रेवेन्यू दिखा सकती है, इन शॉर्ट, ठीक है। बाकी अन्य सारी चीज़ें बोली हैं उसने, लेकिन इन सब चीज़ों का भी आप एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो, जो हमारा सिस्टमेटिक आंसर लिखा जाएगा, क्योंकि ऐसा आंसर लिखेगा तो मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं, बराबर। क्योंकि ये जो सिस्टम है वो कैसा है, इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है एक जनरल टर्म में, या आप बोल सकते हो जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से उन्होंने आंसर ऐसा नहीं दिया जैसा हमको एक्सप्लेनेशन रिक्वायरमेंट होती है, बराबर। सो काफी सारे ऐसे आंसर हैं फ्रेंड्स जो उन्होंने एक एक लाइन में लिख दिए हैं, बट हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम बराबर करके आए, ठीक है। सो इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, सोल्यूशन आप अपने हिसाब से करके दिखाइए, राइट। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू। एन ई कॉमर्स कंपनी इज अ ट्रेवल एजेंट दैट सेल ट्रेवल टिकेट्स थ्रू एन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। ट्रेवल एजेंट सेल एयरलाइन टिकेट टू द पब्लिक जनरली एट अ प्राइस डिटरमाइन विथ रेफरेंस टू द मार्केट रेट। ओके, मतलब क्या है, एन ई कॉमर्स कंपनी इज एन ट्रेवल एजेंट दैट सेल ट्रेवल टिकेट थ्रू एन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। ओके, ट्रेवल एजेंट सेल एयरलाइन टिकेट टू द पब्लिक जनरली एट अ प्राइस डिटरमाइन विथ रेफरेंस टू द मार्केट रेट। ओके, बट ऑफन पे द एयरलाइन अ डिस्काउंटेड अमाउंट, मतलब हमसे ज्यादा ले लेती है और एयरलाइन को डिस्काउंटेड अमाउंट पे करती है, ठीक है, आफ्टर डिडक्टिंग हिज कमीशन। द ट्रेवल एजेंट डज नॉट बियर एनी जनरल इन्वेंट्री रिस्क बिकॉज इट डज नॉट कैरी टिकट एट इट्स इन्वेंट्री एंड बाय टिकट ओनली व्हेन इट्स रिसीव ऑर्डर और बुकिंग फ्रॉम कस्टमर, बराबर बात है। जैसे कि अभी अपना आप गो आईबीबी या फिर मेक माई ट्रिप, इन सब पे जो टिकट परचेज करते हैं वो उसके हिसाब की बात कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट शुड बी द रेवेन्यू ऑफ ई कॉमर्स कंपनी एक्टिंग एज अ ट्रेवल एजेंट, देखो ट्रेवल एजेंट लिखा है उसने खाली, हाँ। विल योर आंसर गेट चेंज इफ द ई कॉमर्स कंपनी बियर द क्रेडिट रिस्क से व्हेन कॉरपोरेट कस्टमर हैव एन अकाउंट विद द ट्रेवल एजेंट एंड सेटल द अकाउंट ओनली आफ्टर द ट्रेवल एजेंट हैज पेड द एयरलाइन फॉर द टिकेट्स, डेफिनेटली आंसर चेंज हो जाएगा। मतलब क्या है इनका बोलने का, मतलब
कि जो कंपनियां हैं वो क्या करती हैं, जैसे ही आप क्लिक करोगे जब भी अपन पेमेंट करते हैं तो कौन से गेटवे पे लेके जाएगी हमको नहीं पता। अब गेटवे अगर वो कौन सा लेके गई, से एयरलाइन का खुद का लेके गई, तो एयरलाइन के अकाउंट में सीधे पैसे पहुंच गए, फिर हम एजेंट की तरह काम करेंगे, हमारा अकाउंट हमको मिल जाएगा। और वो ही अगर वो हमारे अकाउंट में लेके गई गेटवे, तो हमारे अकाउंट में पैसा आ गया, फिर हम एयरलाइन वाले को पैसे भेजेंगे, बराबर। तो उन्होंने दो कैटेगरी हमसे मान ली है कि हम क्रेडिट रिस्क के साथ काम कर रहे हैं कि विदाउट क्रेडिट रिस्क कर रहे हैं। तो अगर हम अकाउंट हमारे में पैसा आता है, मान कि जो ट्रेवल एजेंट है उसके अकाउंट में पैसा आता है, तो वी आर वर्किंग विथ क्रेडिट रिस्क। और अगर पैसा सीधा एयरलाइन कंपनी के अकाउंट में जाता है, तो वी आर नॉट वर्किंग विद द क्रेडिट रिस्क, वी आर वर्किंग ओनली एज एजेंट। ओके, समझ आया। जैसे हम बिगनिंग से डिस्कस करते आ रहे हैं, तो क्रेडिट रिस्क कब होगी, जब अकाउंट में हमारे पैसे आएगा, ठीक है। ओके, सो लेट्स सी द आंसर व्हाट दे हैड मेंशन। इन द गिवन केस द ट्रेवल एजेंट डज नॉट बियर एनी इन्वेंटरी रिस्क। इन्वेंटरी रिस्क तो ऑब्वियस नहीं है, क्योंकि वो परचेज क्या करता है, वो खाली जो एजेंट आता है टिकट लेने का, वो उस एयरलाइन के थ्रू उसको टिकट दिलवा देता है। पर ऐसा नहीं कि पहले उसने टिकट परचेज कर रखी है खुद के पास और बाद में वो कस्टमर को सेल कर रहा है, नहीं बेचे तो उसको बियर करने पड़ेंगे, तो इन्वेंटरी रिस्क नहीं है उसके ऊपर। ओके, नॉर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कैरिंग आउट द सर्विसेज रिलेटेड टू द टिकट इट सेल्फ। ऑब्वियस, वो सर्विस थोड़ी देता है, सर्विस तो एयरलाइन देती है, इसका काम तो खाली टिकट देने का है। बिकॉज दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एयरलाइन। ऑब्वियस, द ट्रेवल एजेंट प्रोवाइड्स अ सर्विस ऑन बिहाफ ऑफ द वेरियस एयरलाइन एंड अदर सप्लायर एंड अर्न अ फीस। द ट्रेवल एजेंट रिवेन्यू शुड रिफ्लेक्ट ओनली द फीस एंड नॉट द ग्रॉस अमाउंट डेबिटेड टू द कस्टमर। हमारे रेवेन्यू में कितने अमाउंट दिखाई जाएगा, ऑब्वियस बात है, जितना कमीशन हमको मिला है वही हमारा रेवेन्यू है। दस फैक्ट दैट द एजेंसी समटाइम बियर क्रेडिट रिस्क। ये देखो, अब इनकी बात क्या है कि रेवेन्यू कितना दिखाने का है, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि वो कौन सा कस्टमर है। तो रेवेन्यू कितना दिखाने का है, तो ऑब्वियस बात है रेवेन्यू तो हम हमारा कमीशन ही दिखाएंगे, क्योंकि क्रेडिट रिस्क भी अगर ले रहे हैं तो इसका मतलब हम खाली पैसे के रिस्क ले रहे हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा जो जो अपन को रेंट हमको जो भी उसका फेयर हमको मिल गया, वो फेयर पूरा हमारा हो गया। फेयर पूरा हमारा नहीं, हमारा तो खाली रेवेन्यू ही है। तो अगर रेवेन्यू रिकॉग्निशन की बात चलेगी, तो बी रिकॉग्न ओनली कमीशन, उसमें कोई बात नहीं है। तो हमारा आंसर जो है वो इसके वजह से चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम पैसा लेके बाद में एजेंसी को दे देंगे, तो हमारे रेवेन्यू तो हमारा कमीशन ही है बस, वो तो ऑब्वियस बात है, राइट। ओके, दस द फैक्ट द एजेंसी समटाइम बियर क्रेडिट रिस्क इज नॉट अ डिटरमाइंड फैक्टर एंड डज नॉट कंप्लीट द एजेंसी टू रिफ्लेक्ट द ग्रॉस बिलिंग एज अ रेवेन्यू। ग्रॉस बिलिंग रेवेन्यू में कभी नहीं आएगा फ्रेंड्स, बराबर। वो कब आ सकता है, जब हम जैसे ऊपर वाला केस था वहां पे हम दिखा सकते हैं, हम परचेज कर रहे हैं सेल कर रहे हैं, तो परचेज हम पूरा गुड्स परचेज में दिखा देंगे और सेल हम दिखा देंगे हमारा पूरा ग्रॉस रेवेन्यू। लेकिन यहाँ के केस में, टिकट्स के केस में, हम लोगों ने टिकट परचेज नहीं किए हैं सामने वाले से, हम तो खाली वो टिकट वहां से आता है और उधर ट्रांसफर कर देते हैं, बराबर। तो हम ग्रॉस रेवेन्यू क्या दिखाएंगे, कमीशन का अमाउंट ही दिखाएंगे हमारा। ओके, देखो और भी क्वेश्चन दिए हैं क्या फ्रेंड्स, इसमें कुछ फोर इलस्ट्रेशन दिए हैं। बाकी चैप्टर फ्रेंड्स बहुत बड़ा बना के दिया है। हाँ ये देखो, एक ही मिल गया, इसमें जीएसटी दिख रहा है, सो लेट्स सी द जीएसटी आल्सो। एन ई कॉमर्स डीलर परचेज गुड्स फ्रॉम अ डीलर पी बट 2 लाख फ्रॉम द लोकल स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड सेल द सेम इन दिल्ली फॉर 2,50,000। ओके, टेकिंग जीएसटी इन टू कंसिडरेशन पास नेसेसरी जनरल एंट्री। ए लो, अब जीएसटी का परसेंट नहीं बताया, एक तो कितना परसेंट लेना चाहिए, यस फ्रेंड्स कुछ नहीं बोले तो हमको 18% लेना चाहिए, ऐसा एक कॉमन रूल आपको जीएसटी में भी सिखाया होगा। तो क्या बोलते हैं, ई कॉमर्स डीलर परचेज गुड्स फ्रॉम अ डीलर पी वर्थ ₹2 लाख फ्रॉम द लोकल स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड सेल द सेम इन दिल्ली, तो इंटर स्टेट हो गया, तो क्या लगेगा परचेज करते टाइम पे, तो सीजीएसटी और एचजीएसटी लगेगा, लेकिन जब सेल करेगा तब दिल्ली में आईजीएसटी लगेगा। टेकिंग जीएसटी इनटू कंसिडरेशन पास जन एंटी, तो पास कर देते हैं एंटी। अब यहां पर कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ, हमारा फर्स्ट वाला केस हुआ, कौन सा केस, हम परचेज करेंगे और फिर उसको सेल करेंगे, ठीक है।
तो देखो उन्होंने एंट्री पास कर रखी है, वही हमको पास करनी है, परचेज अकाउंट डेबिट टू जीएसटी टू सीजीएसटी और टू वेंडर, परचेज हो गया। फिर फोर सेल हो जाएगा तो डेटर्स या कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल टू आईजीएसटी लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि वो बोलो दहली बेचा है, तो महाराष्ट्र परचेज किया, दहली बेचा तो डेफिनेटली, और इसने परचेज किया है, इट इज नॉट लाइक दैट कि डायरेक्टली उन दोनों दे दिया। ओके, फिर सीजीएसटी हमने पे कर दिया तो कैश लेजर के थ्रू पे कर दिया, तो कैश लेजर आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक, जो भी नेट अमाउंट आएगा, नेट अमाउंट कितना आएगा, 36,000 हमारा रिसीवल था और 45,000 हमारा पेबल है, ठीक है। सो ये कैश 9,000 चला जाएगा, ठीक है। ओके, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर आप करवा दो अच्छा रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पे मैं करवा देता हूँ। देखो अमाउंट हमको खाली यहाँ लिखनी है और कुछ नहीं है, ये पहला केस है हमारा एरा। मैं अमाउंट डिफरेंट पेन से लिख देता हूँ, ठीक है, रेड से लिख देता हूँ, लाल पेन चलेगा ना, ठीक है। सो परचेज किया हमने कितने का, 2 लाख का, और 2 लाख के ऊपर हमने जीएसटी भरा 18%, तो कितना हो गया 36,000, तो 18,000 दोनों को बट गया, ठीक है, और 2 लाख 36,000 अमाउंट हो गया वेंडर का। फिर हमने सेल किया, ये मैं उधर ही आ गया हूँ जहाँ पे मैंने एंट्री पास की थी ना, परचेज प्रिंसिपल बेस्ड सिस्टम से। फिर कस्टमर को हमने सेल किया 250 में, तो 250,000 उस पर आईजीएसटी लगा, 2 IGST ये नहीं लगे हैं, 18% के हिसाब से 250 को कितना हो जाएगा, 45,000। ओके, फिर ये सेटल कर देंगे तो 45 और 36 का डिफरेंस कितना हो गया, 18 18 36 ना, 9,000 हम लोग कैश मेमो में पे कर देंगे। सो 9,000 पे हो गया, एंट्री क्या हो गई, कैश लेजर ऑफ एसजीएसटी आईजीएसटी लिखेंगे अभी अपन, क्योंकि आईजीएसटी पे कर रहे हैं, टू कैश बैंक, ठीक है। अच्छा, कोई बच्चे पूछ रहे हैं कि क्रेडिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स, क्रेडिट मिलेगा अगर अपन सीजीएसटी या जीएसटी पे कर चुके हैं, और अगर आईजीएसटी पे कर में हमको सेल कर रहे हैं तो उसका भी क्रेडिट मिलता है, और वो सब आप जीएसटी जब सीखो तब बराबर से सीखना। हम यहाँ पे खाली ई कॉमर्स का काम कर रहे हैं, ठीक है। फिर ये कैश सेटल कर देंगे बराबर, तो पेबल में आ जाएगा आईजीएसटी पेबल कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, पेबल में 45,000। फिर रिसीवेबल में आ जाएगा 18,000 एंड 18,000, राइट, और कैश में चला जाएगा 9,000। तो अकाउंट सेटल हो गया 45 का 45। ओके, अंडरस्टूड, वेरी गुड। बाद में उनके अकाउंट सेटल कर देंगे, वेंडर टू कैश, कैश मिल जाएगा सामने वाले से अपन को जितना भी लेना होगा। और अगर कस्टमर के अकाउंट हमको पे करना, कस्टमर से हमको रिसीव करना है, तो हम रिसीव भी कर लेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, जितना भी उनका ड्यू अमाउंट है। कितना ड्यू अमाउंट है बताइए, जैसे परचेज के केस में आ गया 236, तो 236 का हम वेंडर पे करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा वेंडर टू 236 बरोबर। फिर कस्टमर से अगर रिसीव करना होगा तो कस्टमर से कितना रिसीव करेंगे, 250 प्लस जीएसटी 45, तो 295,000 वो हम रिसीव कर लेंगे। ओके, वेरी गुड। देखें इन लोगों ने क्या किया हुआ है, ये पे कर दिया और आईजीएसटी का ये सेटल कर दिया, उन्होंने यहाँ तक ही किया है, अकाउंट सेटल नहीं किया है वेंडर का या कस्टमर का, कोई बात नहीं। अंडरस्टूड, पक्का, वेरी गुड। ऐसे ही फ्रेंड्स एक आज सम और दिया होगा, वो आप एक बार खुद देख लेना, ठीक है, उसमें दोनों कैटेगरी आ जाएंगी और क्या है, राइट। एक बार मैं आपको भी नोट्स रीड करवा देता हूँ, तो यू हैव परफेक्ट आइडिया कि हम किस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, या आप जो मैंने अभी तक आपको डिस्कस करवाया है। एक क्वेश्चन और दिया है फ्रेंड्स, करना चाहो तो नोट से पहले क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर नोट्स रीड करते हैं, ठीक है। बी एन ई कॉमर्स ऑपरेटर इज एक्टिंग एजेंट बिटवीन द वेंडर एस एंड कस्टमर पी। ओके, तो ये प्रॉपर फ्लिपकार्ट के जैसा हो गया बराबर। तो फ्रेंड्स, जो बी है वो हमारा हो गया इंटरमीडिएट, लाइक अमेजॉन, राइट, और एस एंड पी, एस हो गया जो वेंडर जिसके यहां से गुड्स आने वाला है, और पी जो परचेज करने वाला है, ठीक है। द ई कॉमर्स ऑपरेटर इज लोकेटेड इन मुंबई
वाइल द वेंडर इज इन दिल्ली हु सेल द पेन ड्राइव वर्थ 1 लाख टू कस्टमर इन गुजरात एट 1,50,000. ओके, पेन ड्राइव आज परचेज बाय वेंडर एस फ्रॉम वेंडर एच फ्रॉम कोलकाता. ओके, माने जो वेंडर एस है जिसने परचेज किए हैं वो एच से, ठीक है, तो क्या फर्क पड़ता है. द ई कॉमर्स ऑपरेटर चार्ज कमीशन एट 2% पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ वेंडर ई कॉमर्स ऑपरेटर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन 18% जीएसटी. तो वेंडर के एंट्री मांगे और ई कॉमर्स क्या मांगे, ई कॉमर्स क्या तो हमने पहले ही सीख लिया है, पता है ना. ओके, तो पहले केस कैसा हुआ वो देखते हैं जरा. पर ये देखो, यहां पर अभी हम बात कर रहे हैं आंसर टू क्वेश्चन नंबर, मैं पेन वापस से ब्लैक ही ले लेता हूं, 4, राइट, और उसका पेज नंबर है 20.34. ठीक है, ओके. सो नाउ ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि बी और एस और पी के बीच ट्रांजैक्शन हो रहा है, राइट. बी जो है वो आप बोल सकते हो ई कॉमर्स है, बराबर. ये भाई साहब इधर कस्टमर है जो ऑर्डर करता है, इधर वेंडर है जिससे हम परचेज करते हैं. तो कस्टमर है पी, वेंडर है एस, और ये वेंडर एस भाई साहब जो हैं वो किसी और वेंडर से परचेज करते हैं जिसका नाम है एच. ठीक है, अब ये बी जो है मेन बंदा है, आप बोल सकते हो ई कॉमर्स और ई ऑपरेटर, जिसको हम फ्लिपकार्ट नाम बोल सकते हैं. ठीक है, कस्टमर पी है जो कि कहां का है, देखो जरा कस्टमर पी कहां का है. ई कॉमर्स लोकेटेड मुंबई, वेंडर दिल्ली, और कस्टमर जो है वो गुजरात का है, राइट. सो ऑपरेटर का जो है वो है मुंबई, ये भाई साहब मुंबई बैठे हुए हैं. ये कस्टमर जो है वो दिल्ली का है, और ये जो वेंडर है ये भाई साहब गुजरात के हैं. ठीक है ना, यही है ना केस. पी मुंबई का है, दिल्ली का है, वेंडर इज इन दिल्ली हु सेल द गुड्स पेन ड्राइव कस्टमर गुजरात. अच्छा, कस्टमर गुजरात का है और दिल्ली का वेंडर है, ठीक है. तो कस्टमर जो है वो गुजरात का है, और ये जो है वो दिल्ली का है, राइट. अच्छा, ये दिल्ली वाला जो है वो कहां से गुड्स लेता है, तो दिल्ली वाला वेंडर एच से गुड्स लेता है, और वेंडर एच जो है वो कोलकाता का है. ये भाई साहब कोलकाता के, मतलब पूरा इंडिया इन्होंने छान मारा, दिल्ली, मुंबई, गुजरात, कोलकाता. ओके, सो पहली बात तो ये नक्की हो गई कि यहां पर सब कुछ आईजीएसटी में जाएगा, बराबर कि नहीं. डेफिनेटली, तो आईजीएसटी वर्ड यूज करना है, क्योंकि सबके सब कहीं ना कहीं किसी दूसरे स्टेट में बैठे हुए हैं. अब गुड्स कितने का है, तो 2 लाख का है, 1 लाख का है, और 150 वर्थ का उसने सेल किया है. ठीक है, तो अब हम परचेज करेंगे 1 लाख का, बराबर, फिर सेल करेंगे 150 का, 1 लाख पे जीएसटी लगाएंगे, 150 पे जीएसटी पेबल बनाएंगे, बराबर कि नहीं. वेरी गुड. सो अब हम इनकी एंट्रीज पहले ई कॉमर्स के यहां पास करते हैं, बरोबर, फिर वेंडर के यहां पास करेंगे. ओके, अच्छा इसमें बता दूं चलेगा, क्योंकि सीधा सीधा एंट्री है, उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है. जो हमने पहले पास कर रखी है यहां पे एंट्री, ये सारी एंट्री आने वाली है, क्योंकि हम परचेज सेल क्लियर कर रहे हैं, उसमें बता दिया इतने में परचेज कर रहे हैं, इतने में सेल कर रहे हैं. ठीक है, सो इसमें ही बता देता हूं. सबसे पहले परचेज करने की एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट,
टू आई जी एस टी टू एच, ये बेंडर के यहाँ पे एंट्री पास हो रही है, बेंडर ने परचेज किया है, इंटर स्टेट परचेज बाय द बेंडर, तो एच के यहाँ से भी एंट्री पास हो गई। ओके, फिर बेंडर के यहाँ पे दूसरी एंट्री सेल कर दिया, किसको? यस, पी को सेल कर दिया, तो एंट्री क्या हो जाएगी? ये देखो पी है ना हमारा, कस्टमर कौन है देखो, हाँ पी है, गुजरात में, तो इसको सेल कर दिया इसने, तो पी अकाउंट डेबिट टू सेल टू जीएसटी आईजीएसटी, वेरी गुड। अब हम लोग एज ए ई कॉमर्स बिजनेस जो है वो एज ए एजेंट काम कर रहे हैं, तो हम खाली कमीशन लेंगे, बराबर, कमीशन किससे लेंगे? यस, हम कमीशन चार्ज करेंगे जो हमारा बेंडर है उससे। कौन है बेंडर हमारा, देखो जरा, बेंडर है हमारा एस, बराबर। लेकिन अभी अपन बेंडर की बुक में ही है, तो बेंडर के यहां पे एंट्री कवास होगी कमीशन देने की, उसके लिए कमीशन खर्चा हो जाएगा, तो कमीशन अकाउंट डेबिट आईजीएसटी, जो हमको पे करेगा वो हमको, मतलब ई कॉमर्स वाले को, जो कि कौन है, बी है, तो टू बी, ये देखो, राइट। फिर फॉर रिसीव पेमेंट ऑफ द ई कॉमर्स ऑपरेटर, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर से हमको पेमेंट मिल जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैलेंसिंग फिगर जो भी है काटने के बाद, बी और टू पी, बी को कैसे गया, बी को उसका जो अमाउंट है वो अपन ने डिडक्ट कर लिया, तो पी का अकाउंट सेटल कर दिया, बाकी का अमाउंट बैंक मिल गया, बराबर। फिर जीएसटी को पेमेंट करने की, तो कैश जीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक, और फिर सेट ऑफ करने की आईजीएसटी पेबल टू आईजीएसटी रिसीवेबल एंड कैश लेजर, ठीक है। ये बेंडर के यहाँ पे एंट्री जो नई वाली है, कोई डाउट? सिंपल एंट्री है फ्रेंड्स, जैसा उसने बोला है वैसे हमने कास्ट कर देनी है, आप चाहिए तो मैं लिख देता हूँ, लेकिन वही एंट्री पास होने वाली है, ठीक है। अब ई कॉमर्स के यहाँ पर, ई कॉमर्स के यहाँ पे हम एज अ रिसीप उससे कर रहे हैं, मतलब क्रेडिट रिस्क हमारे हाथ में है, तो हम अभी कौन सी कैटेगरी में आ जाएंगे फिर, क्रेडिट रिस्क अगर हमारे हाथ में होगी तो हम आ जाएंगे सेकंड वाली कैटेगरी में, बरोबर, जहां पे हमने कस्टमर को ड्यू बनाने का है, ठीक। तो इसकी एंट्री मैं चलो पास करवा देता हूं, क्योंकि अपन ने पहले से ही बना रखी है एंट्री, तो खाली अमाउंट तो फिल करनी है, कर देते हैं, राइट। ओके, मैंने रेड पेन कर लिया है, हम पहले परचेज सेल की एंट्री डायरेक्ट दिखाएंगे, कस्टमर टू बेंडर, राइट। अब कस्टमर कौन है, देखो हमारे एग्जांपल में कस्टमर कौन है, पी है, बेंडर कौन है, एस है, तो पी अकाउंट डेबिट, ये देखो पी अकाउंट डेबिट टू एस, बराबर, ओके, कितनी अमाउंट आएगी, 150,000 सेलिंग प्राइस, 150,000, ठीक है। फिर कमीशन की एंट्री, कमीशन की एंट्री उसने पास कर रखी है, वही हमारे यहाँ पास होने वाली है, कितना परसेंट कमीशन चार्ज करते हैं, 2%, तो 3,000 रुपये कमीशन क्या हो गए, आईजीएसटी लगेगा 18%, बराबर, तो 18% कितना हो जाएगा 3,000 के ऊपर, यस, वन टू फाइव जीरो नहीं आएगा 300 तो हो गया, 10%, 18% कितना हो जाएगा, 5,400, तो 34,540 हो जाएगा, तो 3,540, ठीक है, ये कमीशन की एंट्री हो गई। सो वेंडर अकाउंट डेबिट 3,540 टू कमीशन 3,000 टू आईजीएसटी 5,40, आईजीएसटी हम पे करेंगे, यस, तो आईजीएसटी का कैश लेयर बना देंगे, और यहाँ पे आईजीएसटी लिखा है हमने, 5,40 हम पे कर देंगे, फिर एडजस्टमेंट कर देंगे, तो एंट्री हो जाएगी आईजीएसटी पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश मेमो कैश लेजर 5,40, फिर अकाउंट सेटल कर देंगे, तो बेंडर को पे कर देंगे अमाउंट डिडक्ट करके हमारी, तो 150 में से हमारा कितना डायरेक्शन हो गया, 3,540, ये 150,000 है, हाँ, तो कितना बचेगा उस सामने वाले बंदे को,
फाइव सॉरी 1 4 6 460 बराबर 1 4 6 460 1,46,000 460 सामने वाला हमको हम सामने वाले को पे कर देंगे. दैट्स ऑल. अंडरस्टूड. वेरी गुड. तो देखो हमने ये एंट्री उसने पास कर रखी है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं. P2S 177. अच्छा 150 प्लस GST. ओहो तो वन GST हमने नहीं लिया अकाउंट में. GST तो ले लो. सेलिंग प्राइस कितनी की है? 150 प्लस GST 18%, तो 177 हो जाएगा. ओके तो अमाउंट सारी चेंज हो जाएगी फिर, क्योंकि GST इस पर ऐड नहीं किया ना मैंने. 150 डायरेक्ट प्राइस ले लिया. फिर जो कमीशन है वो 3540 कमीशन बराबर है. राइट. तो कमीशन लग गया हमारा 3000 कमीशन हो गया. वो कमीशन तो उस पर लेना, ऑब्वियस GST पे कमीशन नहीं लगता है. हाँ फिर बैंक में टू पी हमने हमारी अमाउंट डिडक्ट करके पे कर दी 173,460. अकाउंट सेटल हो गया. फिर कैश मोमो 540 पे कर दिया और IGST पेबल 540 बना दिया. ओके वेरी गुड. सो फ्रेंड्स विद दैट ओनली 4 सम इसमें दिए थे हमने कर लिए. प्लस ये सारे नोट्स मैं एक बार एक बच्चे से रीड करवा देता हूँ आपके लिए, तो आपको एक आइडिया और मिल जाएगा. देखो सारे नोट्स मैंने यहाँ पे बना के रखे हुए हैं, इसकी सॉफ्ट कॉपी है मेरे साइट पे, तो मैं आपको वो ये आपको रीड करवा देता हूँ, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा इन सब की थ्योरी भी कैसे लिखने का है. ये हैंड रिटन नोट्स ही हैं फ्रेंड्स, बट क्लियर हैं. तो एक बार मैं बच्चे से रीड करवा देता हूँ टू अंडरस्टैंड दैट नोट्स ऑल्सो. ओके अकाउंटिंग फॉर ई कॉमर्स. E-commerce, electronic commerce, has become buzzword for business over past few years, which gives all details of product in good manner. So, e-commerce is more than a technology. It's a business model built around the application of information and communication. E-commerce includes accounting for e-commerce companies. They are divided into 3 parts: e-commerce business, various models, and accounting. E-commerce business is defined above. Various models: principle to principle, principle to agent, and aggregator. Accounting, revenue, cost. Revenue is divided further into 2 parts: sales of goods, rendering of services, and cost is divided into cost of setting the business or website or operational cost. They are further divided into B2B and B2C. We will record those revenue and cost when it is confirmed, but depending on business type, B2B and B2C, because they may have different terms and conditions. Accounting treatment. Accounting work, recording system of e-commerce. Normally, accounting treatment are same as normal business, but it has some extra limitation and condition, like when we should recognize revenue or revenue recognition for e-commerce companies. For this, we have to apply AS 9 rule, which simply says revenue should be recognized when it is confirmed. Revenue is gross inflow arising in the course of the ordinary activities of an enterprise from the sale of goods or from rendering of services and from the use of others or enterprises' resources, yielding interest, royalty, dividend, etc. Now we write rule for each type of revenue. Transaction involving sales of goods. Revenue is recognized when performance is achieved, normally immediately after sale, but subject to return or reversal. Normally in AS 9, there are different category, but only in market, that is e-commerce, we should recognize revenue once performance is achieved. Transaction involving provision of services. Revenue is recognized and measured as being achieved when no significant uncertainty exists regarding the amount of consideration that will be derived from rendering the services.
when risk and reward gets transferred to the customer. Normally, risk and rewards get transferred after the delivery of goods, either B2C or B2B. But if we deliver it by outsourcing, then it will be recorded once we have transferred the goods from warehouse, subject to goods are issued. Note, normally in e-commerce business, all goods are sold on approval basis, means they have guarantee for goods returned within prescribed time. There is example 15 days. So we can record it after expiry of time, or we can reasonably assume percentage from past experience for return and make provision. So revenue will be recognized immediately, and on other hand, we will make the provision for any future return goods. Accounting for GST in e-commerce companies. For that, we should have basic knowledge about GST. That is, there are three types of GST, CGST, SGST and IGST. They are intrastate GST and interstate GST. Intrastate GST, sales or purchase within the state where CGST and SGST is applicable. Interstate GST, sales or purchase from one state to another where only IGST is applicable. Journal entries. At the time of purchase account debit, CGST receivable account debit, SGST receivable account debit to vendor account. At the time of sale, debtors or customers account debit to sales account to CGST payable to SGST payable. Net of GST paid to the government, it means whatever GST we had charged in outflow for us, and whatever we had paid on goods purchased is input for us. That's why net amount we will pay to the government, but if receivable is higher, then it will be carried forward. In e-commerce, the website person, that is Flipkart, Amazon, is considered as agent. It can work in following three ways. Agent work as principal, work as agent only but with credit risk, and work as agent without credit risk. Agent work as principal. Here it is considered like he is doing proper trading, that is, he purchases from vendor and sells to customer. Work as agent but with credit risk. Here he works only as agent but with credit risk, that is, we receive payment from customer and pay to our vendor after deducting our commission, that is, we do not have any goods risk, we have only credit risk. Work as agent without credit risk. Here, neither we take responsibility for goods nor we will take responsibility for creditability. So, we will pass entry only for commission, that is our share. Journal entries. In first case for purchase account debit, CGST receivable account debit, SGST receivable account debit to vendor. For sale, bank or customer account debit to sales to CGST payable to SGST payable. For payment of net GST or GST on commission, cash CGST SGST ledger account debit to cash account. For settlement of GST, CGST payable account debit to CGST receivable to cash CGST ledger. For settlement of vendor account debit to cash account. Second case, for purchase and sale we pass net entry, that is party to party, which is buyer to seller. For commission, seller account debit to commission account to IGST account. For payment of net GST or GST on commission, cash IGST ledger account debit to cash account. For settlement of GST, IGST payable account debit to cash IGST ledger account. For final settlement, collection from the buyer, bank account debit to buyer account, and to pay to the seller, seller account debit to bank account. In third case, for commission, seller account debit to commission account to IGST. For payment of net GST or GST on commission, cash IGST ledger account debit to cash account. For settlement of GST, IGST payable account debit to cash IGST ledger account.
फॉर फाइनल सेटलमेंट बैंक अकाउंट डेबिट टू सेलर अकाउंट. परफेक्ट फ्रेंड्स, बराबर है. थैंक यू बेटा. एंड दिस इज ओवरऑल योर ई कॉमर्स. बाकी का फ्रेंड्स, जो अपन प्रैक्टिकल लाइफ में ई कॉमर्स में जितने भी आप ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन बुकिंग जो भी करते हो, वो सब ई कॉमर्स के हिस्से में आ जाते हैं. ओके, चार सम दिए तो वो भी हमने कर लिए. इसके अलावा कोई भी और डाउट हो फ्रेंड्स, यू कैन मैसेज मी, यू कैन व्हाट्सअप मी, यू कैन कॉल मी माई टीम ऑल्सो. ओके, माई व्हाट्सअप नंबर ऑल्सो यू कैन नोट डाउन, दैट इज 9987078546. ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच. बाय.